Hello everyone, this is Ayushi. If you are new to my channel, first click on subscribe button. In today's video, I will explain you Python while loop. So basically, Python has two primitive loop commands. First one is while loop and second one is for loop. So simply, जैसे हम while loop को previous language में use करते थे, उसी तरह से हम यहाँ पर भी use करेंगे. Simply आपको जो भी variable का नाम रहना है, वो आप variable को declare करोगे, उसको initiate करोगे. यहाँ मैंने i equals to 1 से initiate किया है. Simple while keyword लिखना है, space लगाना है, जो condition है, उसे लगाना है, and after that colon लगेगा. और आपको प्रिंट कराने के लिए कि आपने जो कंडीशन लगाया है वो फुलफिल हो, लूप चले, जो कि स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा और चलेगा कहाँ तक, 6 तक चलेगा, वो चीज़ प्रिंट हो जाए. इसके लिए आप प्रिंट कीवर्ड को यूज़ करोगे, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आई लिखेंगे और इसके बाद आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिखना है. तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए आपको इस तरह से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप नहीं लिखोगे तो ये आपका लूप चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं. नेक्स्ट जो इसमें याद ध्यान रखने की बात है, आप जब वाई लूप लगाएंगे तो वाई लूप सबसे पहले आपको सिंपल वाई लूप कैसे चलाते हैं उसे देखना होगा. वाई लूप लिख के बाद उसमें आप ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. सो ब्रेक स्टेटमेंट, विथ ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द वाइल कंडीशन इज ट्रू. तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कंडीशन फुलफिल भी होती है वाइल की, जैसे इसमें मैंने वाइल कंडीशन में लगाया है कि लूप को चलना कहाँ तक है, 6 तक, 1 से इनिशिएट होना है और कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, लेकिन मैंने जो इटरेशन है आई इक्वल्स टू 3 पे ब्रेक कर दिया है. तो जैसे ही कोई किसी इटरेशन पे आप ब्रेक लगाते हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर इटरेशन है वो वहीं पे रुक जाए और भले ही लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब भी जो इटरेशन पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है वो स्टेटमेंट एज अ आउटपुट आपको प्रिंट हो जाए. तो जैसे कि हमने वाइल लूप लगाया था, यहाँ पे हमने 6 तक लूप लगाया था, लेकिन मैंने ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज़ किया है, 3 पर यूज़ किया है, तो जो मेरा आउटपुट आया है वो 1, 2, 3 आया है. इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक और कंटिन्यू में एक छोटा सा डिफरेंस है. ब्रेक क्या कहता है, आप जिस इटरेशन पे ब्रेक को यूज़ करोगे उसी इटरेशन पे वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा, मतलब वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद का आउटपुट नेक्स्ट इटरेशन को नहीं प्रिंट करेगा. लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कोड बनाना है जिसमें आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर इटरेशन, जिस इटरेशन पे आप कंटिन्यू को लगा रहे हो, वो इटरेशन ब्रेक हो लेकिन उसके नेक्स्ट वाला प्रिंट हो, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू को यूज करते हैं. तो जैसे ये कोड को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है और 6 तक चलाया है, तो जब इटरेशन आएगा आई इक्वल्स टू 3 आएगा, तो वो जो 3 है वो उसे स्किप करेगा और उसके बाद वाला मीन्स 4 वैल्यू को प्रिंट करेगा. तो जो इसका आउटपुट होगा वो 0, 1, 2, then 4, 5 and 6 होगा. इसी तरह से अगर आपको एल्स को यूज़ करना है, अगर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है कि जो ऊपर की जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल हो तो प्रिंट करे आई, अदरवाइज सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दे कि जो आपने वैल्यू दी है वो या तो बहुत ज़्यादा नहीं, वो ग्रेटर देन है किसके, 6 के, या फिर आप जो भी मैसेज प्रिंट कराना चाहो उसे करना रहेगा. और एल्स का आप सभी जानते हैं कि एल्स में हम कंडीशन नहीं देते हैं, एल्स में बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि अगर जो भी ऊपर की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड ना हो तो हमारा जो कोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज को प्रिंट करे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ दिस इंफॉर्मेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू, देन प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच.